राजस्थान महामारी अध्यादेश पारित हुआ था 12-13 मई को, उसके बाद से जो भी परिस्थितियां बनी हैं उसमें महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न तरह की कार्रवाई की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीमों की मदद की जा रही है और जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी पालना की जा रही है। अभी तक इस अध्यादेश के तहत मास्क नहीं लगाने वाले 38,000 व्यक्तियों के खिलाफ और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को सामान बेचने वाले 5,000 से अधिक दुकानदारों, करीब 300 लोगों को जो पब्लिक प्लेस पर थूकते हुए पाए गए, 100 लोग जो पब्लिक प्लेस पर शराब का सेवन करते हुए पाए गए, 216 लोग पब्लिक प्लेस पर पान गुटखा इत्यादि का सेवन करते हुए पाए गए, और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है सेफ, उसकी पालना नहीं करने वाले 26,000 लोग पाए गए। इस तरह से कुल मिला के करीब 70,000 लोगों के विरुद्ध इस अध्यादेश के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें 1,32,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 18,500 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में गिरफ्तार किया गया है सीआरपीसी में, 4,26,000 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है चालान की और 1,41,000 वाहनों को जब्त किया गया है और करीब 7,80,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के 215 मुकदमे दर्ज होकर 297 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कालाबाजारी के 132 प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिसमें की कीमत से ज्यादा वस्तुएं बेचते हुए लोग पकड़े गए। कुल एफआईआर 2,412 दर्ज हुई है 6,900 लोगों के खिलाफ। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो मास्क का प्रयोग करेंगे, मास्क का प्रयोग नहीं करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और उसमें कंपाउंडिंग के लिए 200 रुपए का जुर्माना रखा गया है। इसी तरह से पब्लिक प्लेस पे थूकना वर्जित है, पब्लिक प्लेस पे शराब का या और नशीली चीजों का सेवन करना वर्जित है, जो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है दो गज की दूरी रखने की, वो भी उसका भी पालना करना जरूरी है। तो इन सब चीजों में सारे जिला पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इसकी पालना कराएं, लोगों की समझाइश करें और जहां पर इसकी लोग पालना नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।